तो प्यारे बच्चों, मैं योगेश तिवारी। इस वीडियो में जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जस्टिस कर रहे हैं, इस वीडियो में हम दो चार्जेस अगर मान लो एक दूसरे से एक्स दूरी पर हैं, तो उन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर अगर किसी चार्ज से आर दूरी पर जाते हैं, चाहे वो हम दोनों चार्जेस के बीच में चल रहे हैं या उससे बाहर चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उस आर के बीच में क्या वेरिएशन होगा, इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तो दो तीन क्वेश्चन हम इसके लिए ले सकते हैं। जैसे पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया कि दो चार्ज हमने कंसिडर किए, ये भी स्मॉल क्यू है और ये चार्ज भी स्मॉल क्यू है, यानी कि दोनों ही लाइट चार्जेस है। कैसे चार्ज है? दोनों लाइट चार्जेस। ये स्मॉल क्यू, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? एक्स। मान लीजिए हम इस चार्ज से आर दूरी पर चलते हैं, चाहे हम इधर की तरफ चले चाहे हम इधर की तरफ चले, ये इस तरीके से कहीं भी हम चल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस आर में क्या वेरिएशन होगा। मान लीजिए कि मैं पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, ये पॉइंट एक पी लिया, ठीक है, कितनी दूरी पर लिया, यहां से आर दूरी पर लिया, बहुत बढ़िया जी, आर दूरी पर पॉइंट लिया, तो यहां से कितनी दूरी रह गई उसकी, एक्स माइनस आर। तो आप तो हमको बताना है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस आर के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, यानी कि आर को वेरी करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस हिसाब से वेरी होगी। तो याद करिए पिछले वीडियो जो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम दो लाइट चार्जेस ले रहे हैं तो दोनों लाइट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो यानी कि लाइट चार्जेस है तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं ना कहीं बीच में आएगा, यानी कहीं ना कहीं पॉइंट एक ऐसा जरूर आपको मिलेगा जहां पर इंटेंसिटी जीरो है। अगर अनलाइट चार्जेस हैं तो फिर ये न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा, अनलाइट चार्जेस से बाहर की तरफ, या तो इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ। तो उसमें भी मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया हुआ है कि जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस चार्ज की तरफ जीरो होती है, बहुत बढ़िया। और वैसे भी अगर हम इसमें देखें दोनों ही चार्ज क्या है, बराबर, तो एक्जैक्टली बीच में न्यूट्रल पॉइंट आएगा, ऐसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, बट वो हम मैथमेटिकली उसमें देखेंगे कैलकुलेशन में। तो पॉइंट पी को हमने कंसिडर किया है यहां से आर दूरी पर, या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो मान लीजिए एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा, ये एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज नेट कितना फोर्स फील करेगा, तो ई नेट अगर मैं आपसे पूछूं, तो मान लीजिए इसको इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स लगा रहा है ई वन, ये इधर को इधर रिपेल करेगा, ये फोर्स लगाएगा ई टू, तो कौन सा बड़ा होगा? ये क्योंकि डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी वजह से इस पर लगने वाला रिपल्सन ज्यादा होगा, इसका रिपल्सन कम होगा, क्योंकि ये दोनों ही चार्जेस क्या है, सेम। तो ई नेट निकालेंगे हम, तो ई वन माइनस ई टू, तो भाई साहब ई वन माइनस ई टू करेंगे तो इसकी वजह से बताइए कितना रिपल्सन लगेगा, तो ए इंटू स्मॉल क्यू ओवर आर स्क्वायर माइनस, इसकी वजह से कितना रिपल्सन होगा, ए स्मॉल क्यू ओवर ये दूरी कितनी है, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ए क्यू कॉमन आ गया, तो यहां से आएगा एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? तो यहां से अगर हम ई नेट देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ए क्यू, इसको ऐसे करिए, दिस इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल क्यू, और ये बनेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर एक्स और माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो यहां से ई नेट की जो वैल्यू आएगी ए क्यू, और ये बनेगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हमारा यहां पर ई नेट आ गया। अब आप देख रहे हैं ये जो ई नेट है इट डिपेंड्स ऑन आर, तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक आर का फंक्शन है। अब ये फंक्शन भी कैसा आ रहा है, आप देख रहे हैं कि ये आर नीचे आ रहा है आर स्क्वायर, तो ये जो आता है इसका ग्राफ ये लगभग कुछ मतलब हाइपरबोलिक जैसी शेप में जाता है, बट ये एग्जैक्ट हाइपरबोला नहीं होता। तो देखिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसको आप समझिए, मैं यहां लिख रहा हूं ई आर इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन आई है दैट इज इक्वल टू ए क्यू ओवर आर स्क्वायर और ब्रैकेट में ले रहे हैं उसको हम एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स अपॉन एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में रिलेशन आया। अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं ग्राफ की हेल्प से, तो मान लीजिए कि हमने किस एक्सिस पर ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां पर हमने चार्ज लिया है ये प्लस क्यू यानी स्मॉल क्यू, और ये चार्ज भी हमारा स्मॉल क्यू है, मैं थोड़ा और नजदीक ले लेता हूं, यहां पर ये स्मॉल क्यू और ये चार्ज, इसको यहां मान लीजिए स्मॉल क्यू, क्लियर, ये यहां पर ये चार्जेस हैं, ठीक, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट, यानी अगर मैं इस पॉइंट की चर्चा करूं तो यहां पर मैं लूंगा आर इज इक्वल टू एक्स वाई टू, क्योंकि जो मिड पॉइंट आएगा यहां पर वहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई टू। अब देखिए हमारा जो आर है वो यहां से है, मैं इंटेंसिटी चाहे यहां पर निकालू चाहे यहां पर निकालू या यहां पर या यहां पर कहीं भी लू इस चार्ज के इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस हिसाब से वेरी करेगा।
आप सोचिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बिल्कुल इस चार्ज पर ही ले लूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो यहां पर आर बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। अगर मैं मान लो इस वाले पॉइंट पर लूं कि यहां इंटेंसिटी बताई, तो आर बराबर कितना हो गया, जीरो। तो आर की वैल्यू जब यहां जीरो पुट करोगे तो ये जीरो करके तो ऊपर रह जाएगा ए क्यू एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी आर गोज टू जीरो, आर गोज टू जीरो, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली पॉइंट के ऊपर नहीं ले रहा हूं, पॉइंट के बहुत ज्यादा क्लोज ले रहा हूं। तो आर टेंड्स टू जीरो, तो हम देखेंगे ई आर टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे होगा नहीं होगा भाई साहब, जीरो से जब किसी को डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंफिनिटी की तरफ होगी, बहुत बढ़िया जी। मतलब इंफिनिटी, अब इंफिनिटी की तरफ किधर जाएगी, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ जाएगी इंफिनिटी पर, नीचे की तरफ जाएगी, ये हमें चर्चा करनी है। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि अगर मान लो मैं पॉइंट को इसके इधर की तरफ लूं तो नेट इंटेंसिटी किधर होगी, इधर की तरफ। क्यों क्यों होगी, क्योंकि आपने यहां से पॉइंट को मान लो यहां से यहां पर ले लिया, तो रिपल्सन इधर की तरफ ज्यादा और इधर की तरफ रिपल्सन कम, तो नेट इंटेंसिटी इधर की तरफ। हम मान लेते हैं कि अगर इंटेंसिटी इस वाली डायरेक्शन में है तो मैं इसको मान रहा हूं पॉजिटिव, अगर इंटेंसिटी इधर आई तो इसको मानूंगा मैं नेगेटिव। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो इंटेंसिटी इधर की तरफ आ रही है नेट, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस ये कम है और ये इसका डिस्टेंस ज्यादा, तो नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, तो नेगेटिव इंटेंसिटी आएगी। तो यानी कि मैं यहां पर इस तरह से एक लाइन इसी के पैरेलल प्लॉट कर लूं, तो आप देख रहे हैं कि अगर पॉइंट इसके क्लोज है तो जो इंटेंसिटी है वो किधर, मतलब किधर आएगी, वो कितनी आएगी, इंफिनिटी आएगी। तो ये इंफिनिटी क्या होगा, ये माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि आपको बताया कि अगर मैं इसके इधर की तरफ ले रहा हूं पॉइंट को जस्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव, यानी इधर की तरफ। तो यहां से शुरू होगा हमारा ग्राफ, क्लियर होगी बात। अब आप देखिए कि जैसे जैसे मैं यहां से बढ़ाता जा रहा हूं इस आर को, तो जैसे जैसे हमारा आर बढ़ेगा तो आर हमारा बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते आर कितना हो गया, एक्स वाई टू। तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो रही है, क्या बढ़ेगी भाई साहब, इंफिनिटी से तो ज्यादा हो ही नहीं सकती। अरे ई टेंड्स टू इंफिनिटी से ज्यादा इंटेंसिटी आ सकती है क्या, नहीं। तो क्या आएगी, इधर की तरफ जाने पर देखिए, अगर हम एक्स को मतलब आर को बढ़ा रहे हैं, तो आर के बढ़ने से आप देख रहे हैं कि ये आर इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्वांटिटी जो है ये डिक्रीज करेगी, ये क्वांटिटी क्या करेगी, डिक्रीज। और आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहां पर पहुंचेंगे तो आपका आर बराबर कितना हो गया, एक्स वाई टू। अरे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू होगी एक्स वाई टू, तो यहां पर एक्स वाई टू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वाई टू, तो एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई फोर, फोर ऊपर चला जाएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये भी ऊपर चला जाएगा। और यहां पर देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स वाई टू और इंटू एक्स, तो टू से टू गया और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो कट के क्या आ गई, जीरो। इसका मतलब इंफिनिटी से हम इधर मतलब यहां से यहां पहुंचते हैं तो इंटेंसिटी इंफिनिटी से घटते घटते कितनी हो जाती है, जीरो। तो हम इसका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से शो कर सकते हैं इस वाले रीजन में, मतलब ऐसे इसका ग्राफ जाएगा, क्लियर होगी बात। ये यहां पर कितना है, x इज इक्वल टू आर वाई टू। अच्छा जी, अब इससे आगे की तरफ चलो, जब हम इससे आगे रहेंगे मिड पॉइंट से आगे गए, तो आपने पॉइंट को यहां ले लिया, तो जब इस पॉइंट को आप यहां पर ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अब ये दूरी कम है और ये दूरी ज्यादा, तो नेट इंटेंसिटी इधर की तरफ जाएगी। अरे इंटेंसिटी इधर जाएगी नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो अब इंटेंसिटी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। तो अब देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जीरो, इधर की तरफ जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही आप यहां से यहां तक आर बराबर कितना हो जाएगा, ये एक्स, और जैसे ही आर बराबर एक्स लेंगे आप, यानी कि यहां पर देखिए आर बराबर एक्स, तो एक्स माइनस कटे क्या होगा, जीरो, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंफिनिटी। तो इस जगह पर भी हम देखेंगे यहां, तो ये इंटेंसिटी यहां जीरो है, जैसे जैसे इधर की तरफ चलेंगे तो ये इंटेंसिटी बढ़ेगी और बढ़कर क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो इस तरह का ग्राफ यहां पर बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो ग्राफ आया ये कब आएगा, दोनों चार्जेस के बीच में वेरिएशन का, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब एक चीज यहां पर देखिए कि अगर हम इससे बाहर की चर्चा करें कि भाई इस तरह बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन, तो आप यहां पर देखिए पॉइंट को आपने यहां लिया, तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस कम और इसका डिस्टेंस ज्यादा, तो यहां इंटेंसिटी ज्यादा यहां कम, तो इंटेंसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। अरे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी। बट ये पॉइंट अगर इसके क्लोज है, ये पॉइंट अगर इसके क्लोज है तो क्या होगी, इंफिनिटी। अरे भाई साहब आर, अब आर तो आप यहां से ले रहे हैं ना, इस वाले चार्ज से आपने पॉइंट को इसके बहुत ज्यादा क्लोज लिया, तो ये दूरी आर आ गई,
अगर ये r टेंड्स टू जीरो है, यानी कि पॉइंट को मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में ना लेकर के थोड़ा सा बाहर ले रहा हूं, जस्ट अवे फ्रॉम द चार्ज q, तो हमारे लिए r टेंड्स टू क्या हो गया, जीरो। तो जब r टेंड्स टू या जीरो लेंगे तो e टेंड्स टू क्या आएगी, इंफिनिटी, कौन सी, प्लस, क्योंकि ये इधर की तरफ आएगा, फोर्स रिजल्टेंट इधर, तो प्लस इंफिनिटी, यानी कि यहां पर। और जैसे जैसे अब आप दूर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी घटती जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। क्या भाई साहब किसी जगह पर जीरो हो सकती है, सोचिए कि यहां इंफिनिटी है और इसे आगे जा रहे हैं, तो क्या कहीं इंटेंसिटी जीरो हो सकती है, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट तो बीच में मिलेगा आपको, अरे इंटेंसिटी तो बीच में मिलेगी क्योंकि ये लाइट चार्जेस हैं, तो कभी भी आपको इधर की तरफ इंटेंसिटी जीरो नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब घटते 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 आप आर को अगर प्लस इंफिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये आपकी किधर जाएगी, जीरो की तरफ। यानी कि अगर ई, अगर आर टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है तो ई टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, बट कभी जीरो नहीं हो पाएगी। तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, क्लियर हो गया बात, ये आर एक्सिस, क्लियर। और आर को हम कहां से कंसिडर कर रहे हैं, आर हम कंसिडर कर रहे हैं इसके, मतलब इस चार्ज से, क्लियर हो गया। अच्छा जी, दूसरा, अगर मान लीजिए हम इधर की तरफ देखें, यानी इस वाली साइड में, तो इस वाली साइड में देखेंगे तो सेम कहानी होगी, ये इसको इधर रिपेल करेगा तो मतलब इंटेंसिटी कैसी आएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटेंसिटी आएगी, इंफिनिटी आएगी नेगेटिव में, अरे कितनी आएगी, इंफिनिटी, और जैसे इधर जाएंगे तो जीरो। तो इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो इस टाइप से हम प्लस क्यू चार्जेस के लिए ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ है ये इस टाइप से निकलेगा, क्लियर हो गई बात। सोचो कि अगर मैं चार्जेस को यहां पर प्लस क्यू लेने की बजाय एक प्लस क्यू ले लूं और एक माइनस क्यू ले लूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए अगर मैं देखूंगा, यह आपको समझ में आ रहा है, यहां से यानी आर जो है वो हमारा यहां से लिया जा रहा है, कहां से लिया जा रहा है, यहां से, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो जैसे ही आर हमारा एक्स वाई टू के बराबर हुआ तो इस तरह से ये वेरिएशन आता है, क्लियर हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ आ रहा है इसको आप आर के टर्म की बजाय एक्स के टर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं, या आप आर को सेंटर से लेकर के भी बना सकते हैं कि जो हम दूरी ले रहे हैं आर वो कहां से ली जा रही है, इसके सेंटर से, यानी दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के सेंटर से, तो बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक चार्ज हमने क्या लिया है, प्लस क्यू, और दूसरा चार्ज हमने क्या लिया है, माइनस क्यू। अब बनाइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इंटेंसिटी बताइए जीरो कहां होगी, क्या इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी कहीं, बताइए, कभी भी इंटेंसिटी आपको आउटसाइड जीरो नहीं मिलेगी। अगर ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो पहली बात तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में आने ही नहीं है क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, तो क्या न्यूट्रल पॉइंट बाहर आएगा, कभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता, नो न्यूट्रल पॉइंट इज आउटसाइड, कहीं भी इनसाइड नो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट, नो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट, कभी भी न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बीच में भी नहीं करेगा, बाहर भी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, मान लो यहां पर आपने पॉइंट लिया, ये कितनी दूरी पर मान लिया, एक्स दूरी पर, तो x दूरी पर अगर आप न्यूट्रल पॉइंट मान रहे हैं तो इसकी वजह से इधर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन, मान लो ये 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज लिया प्लस 1 कूलम, तो ये इसको क्या करना चाहिए, रिपल्सन, क्या ये वैल्यू कभी इस वैल्यू के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती, सोच के देखिए, ये दूरी आप x, तो यहां से यहां तक मान लो डिस्टेंस आर है, तो आर प्लस एक्स कभी भी नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल, तो न्यूट्रल पॉइंट ना इधर आएगा ना इधर आएगा ना बीच में आएगा, तो फिर कैसा ग्राफ जाएगा, सोचिए, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये मान लीजिए यहां पर इंटेंसिटी, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस ले लेते हैं, ये लीजिए ये इंटेंसिटी एक्सिस होगी, ठीक है। तो यहां अगर हम देखेंगे इन चार्जेस पर, यहां इंटेंसिटी इंफिनिटी की तरफ जाती है, अभी मैंने बताया कि आप बहुत क्लोज पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इंफिनिटी। इनको एसिम्प्टोट्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, एसिम्प्टोट्स, जो इसके पैरेलल आ रहे हैं।
अब आप ये देखिए कि यहां बीच में कहीं भी इंटेंसिटी निकालोगे Q1 Q2 क्या कभी जीरो होगी? कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। इसमें इंटेंसिटी अगर आप देखेंगे, मान लो आपने यहां पॉइंट लिया प्लस वन कूलम्ब चार्ज, तो इधर अट्रैक्ट हुआ और इसने क्या किया? रिपेल। मान लो यहां पर आपने लिया तो वन कूलम्ब का चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा, तो नेट इंटेंसिटी इधर की तरफ, तो इंटेंसिटी इसमें पॉजिटिव ही होनी है, कभी भी जीरो नहीं होगी। तो यहां पर भी क्या, यहां पर क्या होगी? इंफिनिटी। यहां पर भी क्या होगी? इंफिनिटी। कैसे? यहां आपने पॉइंट लिया वेरी क्लोज टू कैपिटल क्यू चार्ज, तो आर टेंस टू जीरो, तो इसकी इस प्लस क्यू की वजह से यहां इंटेंसिटी लेंगे तो ए क्यू ओवर आर स्क्वायर, बट जब आर टेंस टू जीरो तो इंटेंसिटी क्या होगी? टेंस टू इंफिनिटी, ई टेंस टू इंफिनिटी। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, और इसकी वजह से भी उसी डायरेक्शन में अट्रैक्शन है, तो यहां इंटेंसिटी प्लस इंफिनिटी, यहां भी प्लस इंफिनिटी, और ये घटती जाएगी, घटती घटती मिड पॉइंट में आकर के मान लो वो इतनी रहेगी, जीरो तो होगी नहीं, तो यहां घटेगी, घटते घटते ये इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे होगी, इसी टाइप से इधर से ग्राफ जाएगा, ये मतलब जैसे इधर की तरफ वैसे इधर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये क्या है इसका? मिड पॉइंट। तो ये इसका कुछ ग्राफ दोनों चार्जेस के बीच में इंटेंसिटी का इस टाइप पर जाना है। जीरो कहीं होनी नहीं है, इंटेंसिटी इस केस में जीरो होनी नहीं है। अच्छा जी, अगर हम यहां पर देखें इधर की तरफ, तो एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा? रिपेल। लेकिन अट्रैक्शन जो होगा बहुत ज्यादा होगा, तो इधर की तरफ होगा, तो यहां भी इंटेंसिटी क्या होगी? नेगेटिव। अरे इधर आएगी ना, मैंने बताया कि इस वाली डायरेक्शन में इंटेंसिटी पॉजिटिव, इधर इंटेंसिटी नेगेटिव, तो मैंने आपको बताया यहां पर पॉइंट लो, यहां पर कहीं ले लो, दोनों के बीच में इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, तो पॉजिटिव रहेगी। पॉइंट को यहां लिया, वन कूलम पॉजिटिव चार्ज ये लिया, तो ये माइनस क्यू अट्रैक्ट ही तो करेगा, तो डायरेक्शन तो इंटेंसिटी क्या आएगी? नेगेटिव। लेकिन यहां वेरी क्लोज टू माइनस क्यू ले रहे, तो इंटेंसिटी माइनस इंफिनिटी, तो यहां से चलेगी और वो यहां घटती जाएगी, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगी। इस टाइप से ऐसे यहां पर देखेंगे, आपने पॉइंट को यहां लिया, तो ये क्या करेगा? उसको इधर रिपेल करेगा, तो यहां भी इंटेंसिटी क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव आएगी ना, तो इसका ग्राफ भी ऐसे देगा। तो भाई साहब, अगर प्लस क्यू के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो ये जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ जाएगा। हम ग्राफ बनाएं, इसी को देखें, तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये मान लीजिए यहां पर चार्ज आपने माइनस क्यू लिया है और ये चार्ज आपने फोर क्यू लिया है, तो अब न्यूट्रल पॉइंट बीच में तो आने वाला है ही नहीं। आपको पता है यहां पर एसिम्प्टोट्स मिलेंगे, यहां पर क्या आएंगे? एसिम्प्टोट्स, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस, ये लाइन आएगी इसी टाइप से यहां पर, तो बीच में हम कहीं भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, आप चाहे पॉइंट को यहां पर ले लीजिए, वन कूलम का पॉजिटिव चार्ज तो इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से क्या होगा? इधर, तो नेट फोर्स उस पर इधर की तरफ आना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? नेगेटिव। तो यानी इनके बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें कि भाई पीक जो है वो किधर जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंटेंसिटी है यहां पर भी इंफिनिटी जाएगी, यहां पर भी इंफिनिटी जाएगी, और जैसे जैसे इधर चलेंगे तो घटती जाएगी, तो इसमें पीक जो आता है उस तरफ आता है जिधर को मैग्नीट्यूड छोटा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस टाइप से इंटेंसिटी का ग्राफ गया यहां पर, और उसके बाद ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये जो ग्राफ है ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट को अगर हम यहां पर ले रहे हैं, अच्छा अब इसमें एक बताइए कि न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो न्यूट्रल पॉइंट किधर जाएगा? इधर या इधर? जो चार्ज मैग्नीट्यूड में छोटा है वहां न्यूट्रल पॉइंट जाएगा, तो न्यूट्रल पॉइंट इधर की तरफ आना है। तो देखिए यहां अगर हम न्यूट्रल पॉइंट लेंगे तो इसको यहां से हटाओ, अब न्यूट्रल पॉइंट बनाओ। न्यूट्रल पॉइंट कैसे बनेगा जी? इसको हमने और बड़ा कर लिया, तो पहले तो ये देखो कि पॉइंट को अगर मैं यहां पर ले रहा हूं तो एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट करेगा,
अरे करेगा नहीं करेगा, करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन नेट फोर्स इधर होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी पॉजिटिव, यानी कि इधर की तरफ। अब हम जब इसको नीचे मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगी, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो। तो यानी कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस टाइप से नीचे की तरफ निकलेगा और एक पॉइंट पर आकर के इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। फिर उस पॉइंट से आगे हम चलेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, अरे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं नहीं सॉरी हाँ इंटेंसिटी यहां से चले तो एक मिनट दोबारा से एनालिसिस करो, यहां पर हम देख रहे थे तो ये फोर्स जो था ये अट्रैक्शन यानी कि ये पॉजिटिव था ठीक है, और जैसे जैसे इधर के तरफ रहेंगे तो ये फोर्स घटता जाएगा, ये फोर्स घटता जाएगा और घटते घटते यहां एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो, और उसके बाद में उसके बाद इसका अगर हम देखते हैं एनालिसिस करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये जो इंटेंसिटी मैं बता रहा था कि जैसे जैसे हम पॉइंट को इधर ले रहे थे तो यहां तो प्लस इंफिनिटी, घटते घटते ये जीरो होगी, क्यों जीरो होगी क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट जो है वो किधर आएगा छोटे चार्ज पर, तो जीरो होगी। उसके बाद में क्या होगी फिर ये घटते घट मतलब ये फिर इंटेंसिटी जीरो के बाद में फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, बट इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो नीचे की तरफ चलेंगे तो ई यहां से जैसे नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर मैक्सिमम और उसके बाद घटते 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 फिर ये क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो यहां इंटेंसिटी क्या हुई एक पॉइंट पर जाकर के मैक्सिमम, तो इसका इधर की तरफ जो ग्राफ है वैसा बनेगा। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पर जो इंटेंसिटी आएगी इसके जस्ट आउट मतलब अवे, तो आर टेंस टू जीरो तो ई टेंस टू प्लस इंफिनिटी क्योंकि ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये ग्राफ यहां से चलेगा और यहां से ये घटेगा और घटते घटते क्या कभी जीरो हो सकती है इधर की तरफ, सोचिए अरे क्या इधर न्यूट्रल पॉइंट आएगा, नहीं आएगा। तो क्या होगा इसमें ये इस टाइप से ग्राफ जाएगा ठीक है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू हो गया और वो प्लस फोर क्यू हो गया। सोचिए कि अगर मैं इसको यहां लिख दूं और इसको यहां लिख दूं तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ग्राफ की शेप में कोई चेंज आना है तो एक बार चेक कर लीजिए, कई बार क्या है कि बच्चा रट लेता है और चार्ज की जो पोजीशन है वो चेंज कर दी जाती है, मान लो कि यहां पर चार्ज ये है प्लस फोर क्यू और यहां पर चार्ज है माइनस क्यू, तो आपको पता है एसिम्प्टोट्स जो जाने हैं एसिम्प्टोट्स इस तरह से इसके जाएंगे यहां से, यानी कि ये एसिम्प्टोट्स की पोजीशन आएगी इसमें। तो अब इसमें विचार करिए आप ये माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप ले रहे हैं यहां पर ले रहे हैं तो डायरेक्शन इधर, अरे यहां पर लेंगे तो प्लस माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू को इधर खींचेगा ना और ये रिपेल करेगा, तो कहीं भी पॉइंट को लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आनी है पॉजिटिव आनी है, अरे क्या आनी है पॉजिटिव, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जाएगी वो कैसे जाएगी अब पॉजिटिव, क्यों जाएगी क्योंकि माइनस क्यू चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू चार्ज इधर इधर अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा उसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स इधर लगा तो इंटेंसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन क्या इनके बीच में कभी जीरो हो सकती है, नहीं। यहां पर देखेंगे तो प्लस इंफिनिटी, यहां पर देखेंगे तो प्लस इंफिनिटी, क्यों आपने पॉइंट को यहां लिया, पॉइंट को यहां पर लिया तो वन कूलम का पॉजिटिव चार्ज यहां रखा तो नेट फोर्स इधर लगा, वन कूलम का पॉजिटिव चार्ज यहां रखा तब भी नेट फोर्स इधर लगा, तो इंटेंसिटी जो आनी है यहां भी इंफिनिटी यहां भी इंफिनिटी, तो ये घटते 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 ये इस टाइप से जाएगी, यानी कि जो पीक आना है वो पीक छोटे चार्ज की तरफ जाएगा इस तरीके से, इसके बीच का ग्राफ हो गया। अब अगर हम देखेंगे कि भाई यहां पर वो बताइए इधर की तरफ का ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहां अगर मान लो हम एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को लेंगे तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा तो इंटेंसिटी माइनस इंफिनिटी से शुरू होगी, और आपको बताया कि इधर की तरफ देखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट एडजस्ट करेगा, तो यहां से ग्राफ चलेगा, ये ग्राफ जाते जाते मान लो इस पॉइंट पर जाकर के इंटेंसिटी जीरो हो गई, उसके बाद क्या होता है इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होकर के इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर मैक्सिमम और उसके बाद फिर ये घटेगी, घटते घटते फिर ये जीरो हो जाएगी। इधर की तरफ अगर हम देखेंगे तो एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज यहां लिया इसके जस्ट अवे तो इधर रिपल्शन होगा, तो इधर रिपल्शन होगा तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव यानी कि इंटेंसिटी नेगेटिव आएगी, बट इधर की तरफ कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये जो ग्राफ जाएगा ये ग्राफ इस टाइप का जाएगा।
तो इस तरह के हम ग्राफ बना सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या हुआ, हमने केवल चार्ज की पोजीशन को चेंज किया, तो ये वाला पार्ट इधर पहुंच गया, नहीं यही बात समझ, ये पार्ट ऊपर पहुंच गया, तो इससे ग्राफ जो है उसका पूरा पैटर्न चेंज हो गया। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह के हम कुछ ग्राफ्स की चर्चा कर सकते हैं, ऐसे ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको आने चाहिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें। ऑल द बेस्ट।